निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। नमस्कार, मैं सुशील पाल और इस इमारत की तस्वीरों को आप गौर से देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमेर के सीकर रोड पर जो पुष्कर के लिए सीधा हाईवे जाता है और अजमेर शहर की ये एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है। स्मार्ट सिटी अजमेर के तहत ये जिस इलाके के ऊपर जिस इलाके पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो इलाका एजुकेशन हब नाम से घोषित हो रखा है मास्टर प्लान के अंदर। इस जगह पर लगभग 6 रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट हैं, यानी कि 3000 परिवारों के रहने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, निर्माणाधीन कई प्रोजेक्ट हैं। और उस जगह पर एक ऐसी वारदात हुई है जिस वारदात के बाद में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े होने लग गए। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक अंग्रेजी देशी शराब के ठेके के बाहर, जहाँ पर देर रात एक ऐसी वारदात हुई जिस वारदात में 6 अपराधी आए, देसी कट्टा दिखाया और तकरीबन 6 से 8 लाख रुपये का सामान और नकदी चुरा कर लूट कर ले गए। पूरी घटना किस तरीके से अंजाम हुई, घटना में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करती है, उसी को जानने के लिए MPTV इंडिया ग्राउंड पर आया है। ये शख्स हैं जिनके साथ रात को ये यहीं पर सो रहे थे, उनके साथ ये पूरी वारदात हुई, तो उन्हीं के ज़रिए आपको हम बताएंगे कि वारदात को कैसे अंजाम दिया गया और कैसे इस इलाके पर पुलिस की सख्ती, अपराधियों में डर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मगन सिंह। मगन सिंह जी, ये बताइए कि जो वारदात हुई वो कैसे हुई थी, वो पूरी वारदात हमको बताइए। वारदात ऐसे हुई थी, मैं सो रहा था और वो गाड़ी लेके आए थे, वो आके जैसे ही सत्र के वो सरिया परिया डाला, खुड़का हुआ, मेरी आवाज़ खुल गई। आवाज़ खुलते ही मैंने आवाज़ मारी, भैया कौन है? वो बोला चिल्लाएगा नहीं, गोली मार देंगे, चिल्लाएगा नहीं, चुप चिल्लाएगा नहीं। ऐसे करते करते मैं समझ गया ये तो गोराक नहीं है। मैंने मेरे पड़ोसियों के लमारे भागो रहे, जब तक उसने एक मिलान सटर ऊंचा कर दिया, वो साबल गाल के सटर ऊंचा करके मेरे को स्टील कलर का वो पिस्तौल दिखाया और मेरी आंखों में टॉर्च मारी, उसके हाथ में बैटरी थी बंद इतनी बड़ी, वो 3-4 मारी। जब तक ऐसे करते करते वो सटर को 3-3.5 फुट ऊंचा ले आया, ऊंचा लाकर वो जैसे घसट दें घुस गया अंदर घुसते ही मेरे को पकड़ लिया और मेरा मोबाइल पकड़ के मेरे को 2-3 थप्पड़ मार के मेरे को मेरे बिस्तरों के ऊपर उल्टा पटक के उसने मेरे मगरों पर पैर रख दिया और दूसरे ने पहले पोत पड़ते ही पेटी में पैसे पड़े थे वो पैसे भर लिए, पैसे भर के बोले पैसे काम है क्योंकि और कुछ नहीं है मेरे पास, तो कुछ नहीं है। ऐसे करके मेरे को वापस खड़ा करके मेरे थप्पड़ मार के मेरा चादरा ले लिया मेरे को उड़ा दिया चादरा। अब बोला मुड़ा नहीं उगाड़ेगा, पकड़ के मेरे कूटते मेरे एक कोना है दुकान के, खाली कोना है, वहाँ कूलर पड़ा है, उसके पास बिठा दिया। उसके पास बिठा के बोल चुपचाप बैठा रहे, हलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, मुंडा नहीं उगाड़ेगा। मैं बैठा रहा, उन लोगों ने 67 वो माल भरते रहे, लास्ट में मेरा ही चादरा लिया, पैक पेटियाँ सब भर ली, अच्छा जो हाई रेंज का माल भर लिया। उसके बाद मेरा चादरा बिछा के यूज माल था सस्ता वाला, वो सब चादरा में डाल के पेटी गाड़ी में भर ली। उसका करीब मैं सोचा भी अब तो यार खाली होगी दुकान, अब क्या करेंगे, अब पता नहीं, अब मारेंगे ही छोड़ेंगे। जब तक कोई दारू लेने वाला को कराया का है उसको देख कर वो हड़बड़ा आ गए, उसको धमका दिया, वो बेचारा भग गया। वो आपके दोस्तों को बुलाने के लिए चला गया, कॉलेज के छोरे थे वो, जैसे ही 10-5 छोरा लेके आया जब तक वो रवाना हो गए, उसको सामने मिल गए थे वो गाड़ी वाले जो चोरी करके गए। मेरे आगे कुंटा लगाया गया, मैं बड़ी मुश्किल से कुंटा खोल के पहुँच के एक सूरमा सिंह होटल है उस पर गया, उसको जगाया, मैं गया मेरा मोबाइल ले गया, ऐसे ऐसे घटना हुई, दुकानें लूट गई पूरी। उसने मेरे सेठों को फोन किया, फिर मेरे सेठ लोग वगैरह आए, पुलिस को बुलाए, फिर पुलिस आई, ये हुआ सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये वारदात कितनी बजे की है और जो लोग लूट करने के लिए आए थे, जो अपराधी आए थे, क्या उनका चेहरा आपने देखा था? चेहरा उनका दिखा हुआ नहीं था, सबके वो बंधे हुए थे मुंडे के और लंबे 30-35 साल की उम्र में थे, 2 थे 12, मेरे को अंदर 4 ही आए थे, 4 थे वो। वारदात का समय क्या होगा? वारदात का समय लमसम 1:30 और 2 के बीच में थे। अच्छा, एक चीज और, जो भाषा बोली होगी कुछ आपसे कह रहे होंगे, बोल रहे होंगे, उससे आपको क्या लग रहा था, वो क्या यहाँ के आसपास के थे, कहीं और के थे, क्या लग रहा था भाषा से? मेरे को ऐसे लग रहा है यहाँ के लोकल तो नहीं थे, कुछ सिकर साइड के ऐसे कुछ लग रहे थे, यहाँ के लोकल नहीं थे,
यहाँ एरियम दुकान है, इसके 10-15 किलोमीटर के मेरे को नहीं लगे वो। अच्छा, उनके पास क्या हथियार भी था किसी तरह के? सिल्वर रंग का पिस्तौल था और साबर थी और बैटरी थी। कितने रुपए का माल, नकदी कितने की ले गए, सामान कितने रुपए की ले गए? कम से कम 2 लाख रुपए नगद तय कर लेना। और सामान? और सामान कम से कम 4-4.5 का है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आप तो इस जगह पर काम करते हैं, रहते हैं यहाँ पर, क्या पुलिस की गश्ती कभी आपने यहाँ पर देखी है? कभी से आती है भाई, चांस कम आती है पुलिस। क्या जरूरत लगती है आपको महसूस कि इस जगह पर, यहाँ पर आसपास कहीं थाना खुलना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, भय तो होना चाहिए, यहाँ सुनी जगह है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अपराधियों ने किस तरीके से लूट को अंजाम दिया वो हमने आपको हूबहू बताया। सबसे खास बात यह है कि अपराधियों में जो डर राजस्थान पुलिस का होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो खौफ अपराधियों से दूर दिखाई देता है। और ये पूरी वारदात पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़े करती है, क्योंकि अब से ठीक कुछ महीने पहले ही जनाना अस्पताल के भारी कुछ युवकों ने आकर कुछ युवक को अस्पताल से बाहर निकाल कर गाड़ी में तोड़फोड़ की थी और मारपीट भी की थी। इस इलाके पर जिस तरीके से रिहायशी कॉलोनी और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस स्कूल हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर पुलिस की गश्ती बढ़नी चाहिए। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी मांग है राजस्थान पुलिस से कि इस इलाके में एक थाना खोला जाए, जिससे कि अपराधियों में डर पैदा हो और आमजन में सुरक्षा का माहौल दिखाई दे। खैर, पूरी वारदात से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान तो खड़े होते ही हैं, उसी के साथ चुनौती भी उनके सामने आ जाती है कि आखिर ऐसे अपराधियों से और ऐसी वारदातों से अजमेर की पुलिस कैसे निपटेगी। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTTV इंडिया, अजमेर।